हिंदुस्तानी चोर दी, पाकिस्तानी चोर दी, सीमा अदब चोर दी। तुमने हमारे देश का, हमारी संस्कृति का माहौल इतना गंदा कर दिया है कि पति पत्नी भाई इनकी चुम्मा चाटी, सीमा भाभी विश कर दो, सीमा भाभी मेरा नाम ले लो, फिर तू प्रधानमंत्री लग जाएगा। सीमा भाभी तेरा नाम लेगी, फिर अमित शाह कहेंगे भाई मुझे गद्दी से उतारो, सीमा ने नाम लिया। दिल तो करता है तुम्हारे इतने चांटे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, आस्तमा जी ने गुलाम हैदर को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आस्तमा जी का भी कुछ देर पहले एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें गुलाम हैदर को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर अब पाकिस्तान से इंडिया बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वो गुलाम हैदर भाई का मोस्ट वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। ये आस्था माँ भी गुलाम हैदर का साथ देना चाहती है, उनके लिए आवाज़ उठा रही है, उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है, क्योंकि आस्था माँ ने इस बाप को रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, इसका दर्द को देखा। इसलिए ये आस्था माँ हिंदू होने के बावजूद भी मुसलमान भाई के लिए जो है आवाज़ उठा रही है। सबसे पहले तो मैं आस्तमा जी को सैल्यूट पेश करता हूँ, उनको सलाम अर्ज करता हूँ, उनकी हौसले की मैं कद्र करता हूँ कि वो किस तरह से गुलाम हैदर भाई के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो कि आप लोगों को मैं यहीं पर आस्तमा जी की ये पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊँगा। सांसद सीमा एपी सिंह सचिन की भी उन्होंने पूरी तरह से बैंड बजा दी है, बहुत ही तगड़ा जवाब इन सबको दिया है जिन्होंने हमारे देश का माहौल गंदा कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आस्तमा जी की ये पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुशी यहाँ है कि गुलाम हैदर पाकिस्तान पहुंच चुका है और बहुत जल्दी पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचेगा और हमारी सनातनियों की पूरी टीम उसका स्वागत करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने बच्चे लेकर जाए। वो ही गुलाम हैदर जिसने अपनी गरीबी के चलते अपने बच्चों के लिए अपने पाकिस्तान से उसको दूसरे कंट्री में जाना पड़ा और कि मेरे बच्चे सुखी रह सके, मेरे बच्चे पढ़ पाए। उसको नहीं पता था कि चित्रहीन मेरी क्या बोलते कोठे वाली है ना नचनिया कहीं और नजरे गड़ाई बैठी है। गुलाम हैदर से पहले भी कहीं और थी, फिर इसने गुलाम हैदर से जबरदस्ती शादी की। ये जो सोशल मीडिया के हमारे सनातनी है ना, सबसे मुझे दुख इस बात का होता है कि ये सत्य का साथ नहीं देते। ये लोग, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात आस्था माँ बोल रही है, कई लोग अरे सीमा भाभी आप मुझे विश कर दो, मेरा जन्मदिन, सालों सारी उम्र सीमा भाभी तुम्हें विश करती रही है ना, अपनी माँ से विश करा लो, अपनी बहन से विश करा लो, ठीक, सीमा भाभी विश कर दो, सीमा भाभी मेरा नाम ले लो, फिर तू प्रधानमंत्री लग जाएगा। सीमा भाभी तेरा नाम लेगी, फिर अमित शाह कहेंगे कि भाई मुझे गद्दी से उतारो। एक भी मुसलमान ने अगर सीमा हैदर का सपोर्ट किया हो, तुम्हें हिंदुओं इतना गंदा कीड़ा तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है ना, इतना अंदर घुसा हुआ कीड़ा कि तुम्हें आदत है कि हमारे आके उसने जय श्री राम बोल दिया है ना, उससे पहले तो तुम्हें तुम्हारी पत्नियां करवा चौथ नहीं रखती थी, तुम्हारी पत्नियां करवा चौथ नहीं रखती थी, सीमा ने आके करवा चौथ रखा, चांद निकल आया, चांद निकल आया। सालों उससे पहले क्या होता था, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, डूब के मर नहीं जाते? ये एक रंडी कोठी पे नाचने वाली जो कहती चांद निकल आया, आज जन्माष्टमी है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे भारत में जन्माष्टमी होती है। पत्रकार महोदय, हमें तो सारे साल के त्योहार इस नचनिया ने बताए, हमें नहीं पता था कि हमारे जन्माष्टमी होती है, नवरात्रि होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आज, हमारे सारे भक्त नाराज हो रहे हैं। हमें दिवाली भी नहीं पता था कि हमारे सच्चाई के लिए उसके बच्चे हैं, उसको पीड़ा है और वो अपने बच्चों के लिए कमाने गया था, उसके बच्चे हैं, अरे उस बच्चे का खतना हुआ है, ठीक है, वो पाकिस्तानी रहेगा, वो हिंदू दोबारा तो नहीं बन सकता। और रुक जाओ, जब बड़े होकर उनको असलियत पता लगेगी। एक बात बताओ, ये जो वहां से गुलाम हैदर का 30-35 लाख लेकर भागी है, कहाँ है?
इसको तो शर्म आनी चाहिए। कोई लिख रहा है कि हमारा लाख रुपया, एक मोबाइल वाला रो रहा था, अरे बेशरम महिला, बेशरम औरत, लोगों के पैसे लेकर, लोगों के मोबाइल लेकर, लोगों की चोरियां करके भाग आई। ये चोर है, बहुत बड़ी चोर, पाकिस्तानी चोर, पाकिस्तानी चोर नहीं, पाकिस्तानी चोर नहीं, पाकिस्तानी चोर नहीं, सीमा हैदर चोर नहीं, लेकर भागी लोगों के पैसे और मोबाइल, चोर नहीं, पाकिस्तानी चोर नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसी चोर। वो अपने मोहल्ले वालों को चोर कह रही है। और तू रघुपुरा के लोगों को चोर कह रही, रघुपुरा के लोग इतने भोले, इतने प्यारे बेचारे, कुछ नहीं बोलते, उन्होंने तो उनकी वजह से तो ये रह रही है। जिन रघुपुरा के लोगों को ये चोर बोल रही है, वो बेचारों के भोलेपन से तो ये रह रही है। वो तो शरीफ लोग है बेचारे, इसकी वजह से उन्होंने। सीमा भाभी बोलती है कि मेरे घर, सीमा भाभी मत बोलो।